الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي कर रहे थे फेल मुदाफ, उस फेल को कहते हैं फेल मुदाफ, उस फेल को कहते हैं जिस फेल का दूसरा और तीसरा हर्फ है सेम होता है, एक ही जिन से होता है, यानी कि क्या होता है फेल का दूसरा हर्फ तीसरा हर्फ सेम होता है। जैसे कि मिसाल है, पहला क्या औदा, असल में क्या था औदा, तो दूसरा और तीसरा क्या है सेम है, ठीक है। औदा माने क्या हो गया सुनो भाई, उसने जो अद्दा पढ़ा जाएगा, असल क्या है आदादा, ठीक है, लेकिन इसको इदगाम कर दिया गया, ठीक है। इदगाम माने क्या है, इसमें सुकून कर दिया गया दूसरा वाला, ठीक है। इदगाम करके क्या हो गया अद्दा, अद्दा का मुदारे क्या है यहुद्दु, ठीक है। तो ये बाब के ऊपर डिपेंड करता है, बाब तो फेल मुदारफ का तीन बाब होता है, इसमें दो बाब, एक बाब मिटा दिए तीसरा, ठीक है। तो पहला बाब क्या है, बाब नसरा, नसरा यंसुरु, ठीक है। नसरा मादी पास्ट टेंस, यंसुरु मुदारे प्रेजेंट टेंस, माने मदद करना, उसने मदद किया, यंसुरु वो मदद कर रहा है। तो इस वजन पे क्या है, ये बाकी सब फेल भी आ रहे हैं, ठीक है। अद्दा असल क्या था अदादा, होना क्या चाहिए था उस वजन पे नसरा यंसुरु, ये क्या होना चाहिए था अदादा यहुदु, यहुदु नसरा यंसुरु अदादा यहुदु, ठीक है। लेकिन आसान कर दिया गया, क्या आसान किया गया बताइए, इदगाम कर दिया गया। इदगाम माने क्या, जो दूसरा वाला था उसमें क्या कर दिया गया, सुकून कर दिया गया, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम क्या एरो देंगे, बना दी किरण पूरण कर दिया गया, उधर चला गया इधर चला गया, समझाने के लिए किया है। असल माने क्या होता है कि दूसरा वाला में क्या कर दिया गया, सुकून कर दिया गया, ठीक है, सुकून। और इसमें हरकत आ गया तो क्या हो गया उधर भाई यहुद्दु, तो यहुद्दु नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा यहुद्दु, आसान भी हो गया, वो गिन रहा है, वो गिनेगा, वो गिनता है, ठीक है। अद्दा यहुद्दु सेम उसी वजन पे, इसी क्या बोलते हैं, इसी वजन पे क्या आएगा, इसी बाप पे क्या है हज्जा यहुज्जु गन्ना यदुन्नु सब्बा यसुब्बु सब्बा यसुब्बु, ठीक है। एक और बाप इसका किए थे हम लोग, क्या किए थे शम्मा, जो उसी की तरह है अद्दा, और क्या है मस्सा, लेकिन असल इसका क्या है शमामा, नहीं क्या है शमीमा, ठीक है। शमीमा का भी बाब में आता है, लेकिन हम लोग इसी तरह शमीमा असल किया, ठीक है। मस्सा का क्या होगा इसी वजन पे, अनीस भाई मसासा या मसीसा, शम्मा है शमीमा, उसी तरीके से मस्सा क्या होगा मसीसा है, उसने छुआ, ठीक है। लेकिन मसीसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मस्सा, इदगाम कर दिया गया, मैंने सुकून कर दिया गया बीच वाले को, शम्मा बोलेंगे शमीमा नहीं, मस्सा बोलेंगे मसीसा नहीं, ठीक है। लेकिन असल ऐसा ही था, शम्मा से क्या हो गया यशम्मु, तो ये बाब होता है ना, ये बाब कहता है कि बीच सेकंड वाले में फथा हो जाएगा, तो देखिए फथा हो गया सेकंड वाले में, ठीक है। यशम्मु उसमें क्या हो गया था, बाब क्या बोलता है कि दम्मा होगा, उसमें हो गया था क्या यहुद्दु, उसमें क्या हो गया यशम्मु फथा हो गया, शम्मा यशम्मु, इसके बाद उसके लिए मस्सा या मस्सु, ठीक है। ये बाब हो गया, हमारे तो आपने लिख लिए शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद इसका गर्दान मादी का अद्दा अद्दा अद्दू अद्दत अद्दता, ठीक है। यहाँ तक कुछ अलग नहीं, यहाँ पर क्या हो गया अददना, यहाँ पर क्या हो गया, हाँ क्या बताइए, नून आने से क्या हुआ, तीसरा लेटर जो है तीसरा हर्फ इसमें क्या हो गया सुकून, ठीक है। जैसे जहाबा जहाबा जहाबू जहाबत जहाबता जहबना जहबता जहबतुमा, तीसरा में क्या हो गया नून आने से
औरत पर नजर आने से क्या हो गया, सुकून मिल गया। ठीक है ठीक है, लेकिन और भी जो कुछ हुआ यहाँ पर क्या हुआ आप बताइए। एक दाल में सुकून, दूसरा में हरकत, यहाँ पर क्या दोनों दाल खुल गया। ठीक है, आधा देना क्यों खुला, क्योंकि यहाँ फाइल क्या है, क्योंकि यहाँ फाइल जो है उसमें क्या हरकत है, फाइल है क्या, ये जो दमीर आप देख रहे हैं नून ता तुमा ये सब क्या है फाइल, इस फाइल में हरकत। देखिए ऊपर में जो फाइल था ऐसा कि अलिफ वाव वो क्या है, उसमें तो हरकत नहीं सब, तो वो क्या है साकिन दमीर है, वो क्या है साकिन दमीर, साकिन दमीर फाइल बन गया है। नीचे में क्या है मुतहर्रिक दमीर फाइल बन गया, मुतहर्रिक माने हरकत ना फाइल में, देखिए ना ता में पता है, ऊपर में फाइल क्या है वाव, वाव के ऊपर क्या है सुकून, अगर खींचने का काम करे तो उसमें खुलेगा नहीं, कहाँ खुलता है जिसमें हरकत होता है उसमें क्या होता है खुल जाता है, यहाँ हरकत है तू ता तो खुल गया अदब था सबसे। उसके बाद यहाँ पर आइए अद्दा का क्या है मुदारे यहुद्दू यहुद्दानी यहुद्दूना। ठीक है, फिर तहुद्दू हिया के लिए तहुद्दानी छठा नंबर, औरत वाल ना की माने फिर खुल जाएगा, ईदगाम टूट गया या हदूद ना, उन सब औरतों ने वो सब औरतें गिनती हैं गिनेंगी गिन रही हैं। ठीक है, फिर अंता के लिए तहुद्दू तहुद्दानी तहुद्दूना तहुद्दीना तहुद्दानी, फिर औरतें सामने बैठी उन सब के लिए अंतुन्ना के लिए फिर खुल गया तहदू देना, मैं गिन रहा हूँ के लिए क्या होगा तहुद्दू, हम सब गिन रहे हैं नहुद्दू है ना, नहनू के लिए ये मादी पास्ट टेंस मुदारे प्रेजेंट टेंस इसीलिए सिर्फ दो ही जगह में इदगाम जो है टूटा है, फक्कुल इदगाम से जो दो जगह हुआ, यहाँ फक्कुल इदगाम पहला पांच को छोड़ के बाकी सब में वहाँ सब में खुल गया, मादी में मुदारे में दो जगह खुल गया। ठीक है, ऐसा भी इंशाल्लाह कुछ जिम्मेदार नहीं है, ये सब आपके जहन में घुस जाएगा, ये सब जब कुरान पढ़िएगा इंशाल्लाह कोई कुछ याद करने जरूरत नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत मेहनत करिए रिविजन करते रहिए हो जाएगा इंशाल्लाह कोई बात नहीं, लेकिन फिर रिपीट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास किताब अभी खुल गया है और फिर जो है छः दिन चौबीस घंटे के बाद किताब खुलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, माने 7 दिन के बाद किताब नहीं खुलना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा दिमाग में प्रेशर देने के 24 घंटा लगे इस्तेमाल किए। ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या था फेल अम्र, ये कैसे बना ये पता है आपको, ता हटा दिए, ता हटा दिए दाल में क्या किए सुकून कर देंगे तो क्या होगा दो सुकून, हल क्या है पता कर हो गया क्या और भुट्टा, ये ना हुआ था फेल अम्र हुकुम देने के लिए, ता हटा दिए दाल में सुकून, दोनों दाल में सुकून हटा नहीं सकते किसी को क्योंकि वाव और या नहीं है ये, तो इसलिए क्या करेंगे फतहा दे देंगे, कसरा देना भी जायज है लेकिन फतहा के साथ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो पढ़ा जाएगा अब उद्दा, माने गिनो उद्दा गिनो, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा उद्दा तुम दोनों गिनो है ना अली, उद्दू तुम सब गिनो, उद्दी तुम गिनो औरत के लिए, उद्दा तुम दोनों औरतें गिनो और उद्दू देना। ठीक है, ये सब भी वैसे ही बन रहा है, कैसे बन रहा है ताक और हत में सब में हटा दिए। ठीक है ठीक है, लेकिन जिसमें नून था उसको वो हट जाए ना यहाँ पर, ठीक है ना, इसीलिए बचा उद्दा उद्दू यही जा रहा है। ठीक है, ये तो पढ़ाई जो गया आपको लिख भी जो गया आपको है ना, यहाँ पर क्या हुआ ये ता जो है हट गया। ठीक है, और ये नून फाइल है तो हट नहीं सकता, औरतों वाला नून जो मबनी होता है हटेगा। ठीक है अख्तर भाई, इसीलिए हाँ सुकून शुरू हुआ, इसीलिए हमजा लाना पड़ा, हमजा लाना यहीं पर पड़ा, बाकी जन हमजा नहीं लाना पड़ा था आपको। ठीक है, क्योंकि शुरुआत किससे हो रहा था, देखिए बाकी जन में दम्मा से दम्मा 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 दम्मा, लेकिन यहाँ शुरुआत हो रही किससे सुकून से। ठीक है, क्योंकि यहाँ फक्कुल इदगाम हुआ था भाई पहले से ही। ठीक है, सिर्फ सुकून से शुरुआत हो, यहाँ हमजा लाना जरूरी था तो पढ़ नहीं सकते, वो हदूद देना।
ठीक है, सेम तरीके से बाकी सब जैसा है। हज जा यहुजू हुज्जा हज करो, ठीक है। वैसे गन्ना ये दुन्नु दुन्ना सब्बा ये सुब्बू सुब्बा सब्बा ये सुब्बू सुब्बा हुकुम, ठीक है। शम्मा ये शम्मु शम्मा शम्मा और शम्मा एक ही मादी भी फैल अमर भी वही, ठीक है। लेकिन शम्मा के बारे में क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या फैल फैल मादी, ठीक है, फैल मादी है ये। आखिर में क्या है इसका शम्मा, इसका तहलील कर रहे ग्रामेटिकल तहलील, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। शम्मा शम्मा तो एक ही, लेकिन ग्रामर में फर्क है। कैसे, शम्मा असल में क्या था शमीमा, आखिर में क्या है पत्थरा, आखिर में होता है, ठीक है। तो ये फेल मादी जो होता है मबनी होता है, ध्यान से सुनिए, फेल मादी क्या होता है मबनी, इसको कोई हालत नहीं होता, फेल मुदारे का हालत होता है, पता आपको, या उतू या उद्दा हो सकता है, जजम आ सकता है, वज़्ज़ुम हो सकता है, ठीक है। लेकिन फेल मादी की हालत नहीं होता, शम्मा शम्मा ही रहेगा, ठीक है। तो उसको पहली के ग्रामर में कैसे कहेंगे, इसको सुनिए ध्यान से। शम्मा हो गया फेल मादी, फेल मादी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फेल मादी मबनी, मबनी उन अला फतह, मबनी उन अलल फतह पर मबनी है ना, फतह पर मबनी, आखिर में क्या फतह है ना, फाइल इसका बताइए, फाइल क्या इसका मुस्ततिर, फाइलुहु मुस्ततिरुन, लेकिन तकदीर क्या है इस फाइल का, असल फाइल कौन है, तकदीरुहु हुआ, ध्यान से सुनिए। शम्मा फेल मादी मबनी, ठीक है, मबनीउन अलल फत फाइलुन मुस्ततिरुन, ठीक है, फाइल मुस्ततिर, लेकिन फाइल है कौन, हुआ है ना वो, तो तकदीरुहु उसकी तकदीर क्या है, उसका एस्टिमेशन क्या है, हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। शम्मा फ़ेल अम्रिन मबनीउन अलल क्या है, अलल यहाँ पर क्या देखिए, मबनीउन मबनी है, किस पर मबनी है ये, अला सुकून मुकद्दरा, यहाँ पर एक तो सुकून ही था ना, ठीक है, ध्यान सुनिए, इसको याद करने नहीं होगा, बस सुनिए समझ में, जितना था उसको हजम करने कोशिश करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बस फर्क बता रहे हैं। इसमें क्या है, फ़ाइल फेल अमरिन फाइल बताइए मुस्ततिर, तकदीर हु अंता, यहाँ मुखात, यहाँ कौन है मुखातिब, अंता, ये देखिए फर्क है ना ग्रामर में, शम्मा में तो फाइल कौन था, हुआ, ये शम्मा में फाइल तुम सुंगो, ऑर्डर है तुम सुंगो, ठीक है, मस्सा तुम छुओ, इसका तकदीर क्या है, फाइलुन फाइलुहु मुस्ततिर तकदीरु अंता, यहाँ फाइल क्या है, किताब में नहीं आए, हम लोग ऐसे कभी कभी किए तहलील, तीसरा जिल्द से आप तीसरा जिल्द में जो है पूरा अरबी में कायदा पढ़िएगा, कायदा ही अरबी में हो, ठीक है, अच्छा है, थोड़ा एनर्जी पैदा करने के लिए कुछ कर लेते हैं, तो वर्ड है इसमें बताइएगा आप, ठीक है, इसका माने क्या पता आपको, इसका माने कौन बताए, इसका माने बताइएगा साबिर जी, आपको इस करिए बताने का माने, सब बा बतून पता हमको, चांस का है बताऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करिए क्या हो सकता है माने इसका, सब बा बतून, या कम माने ये बात, कम से कम बताइए कि इसमें तीन हुरूफ बुनियादी क्या है, क्योंकि आपको पता है ना हर अरबी का इससे ज्यादातर तीन हुरूफ ही होता है, या तो चार, तीन या होगा या तो क्या होगा चार, 99% अरबी का जो इसम मिलेगा लफ्ज में बुनियादी हुरूफ कितना होगा, जिससे बना हुआ होगा वो तीन है, ठीक है, तो सब्बा वतुन में तीन हुरूफ ऐसा कौन सा बताइए, आप बताइए, सीन, हाँ सीन है और फिर हाँ बा, उसके बाद सीन बा और फिर बा, ठीक है, हाँ बा, तो सा बा बा बुनियादी रूप क्या है इसमें, सीन बा बा, और ये बा एक एक्स्ट्रा भी है, ठीक है, देखना बीच वाला बा को क्या कर दिया गया, एक्स्ट्रा इजाफा एक्स्ट्रा किया, और ता भी एक्स्ट्रा, तो क्या वक्त भाई इसका बुनियादी रूप क्या है इस लफ्ज में, सीन बा बा, ठीक है, सब बा बा, तुम माने कौन बताएगा,
जितना भी अरबी का लफ्ज है उसमें तीन ही बुनियादी रूप मिलेगा दादा भाई, तो चार मिलेगा। सब बाबत एक्स्ट्रा क्या है, बोलता है तो एक्स्ट्रा बाब ही है, ठीक। इसका माने क्या है, कौन सा होंगे रफा से बाबा? क्या माने आप लोग पढ़े, कहाँ है, यहाँ है ना, सीन बाबा का माने क्या होता है, गाली देना या लान दान करना। सब्बा माने उसने लान दान किया, अब गाली दिया, ठीक है। तो इसको तो अरब वाले ने इसको नाम क्या दिया, सब्बा बाबा, ठीक है। आदमी जब किसी को लान दान करता है कौन सा उंगली उठता है, ये ना उठता है, इसमें उठता है, तुम क्या किए सब, नहीं उठता ना, ये उठता है, ये भी ना उठता है, ठीक है, ये उंगली उठता है। तो अरब वाले इसको नाम क्या दिया, सब्बा, ठीक है। इसका लुघवी माने सब्बा बदून का है कि सब एकदम जलील करने वाला, बहुत ज्यादा जलील करने वाला, लुघवी माने इसका है, बहुत ही ज्यादा जलील करने वाला, ठीक। उससे लफ्ज बना है, बुनियादी रूप तीन बाबा है, ठीक है। ये अरबी का एक लफ्ज नहीं है, अरबी का सब लफ्ज ऐसे आता है, पर उसको बुनियादी कुछ ना कुछ है, ठीक है, जो असली अरबी का लफ्ज है। उसके बाद हम लोग आज सबाबा पढ़ते हैं, इसलिए मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है, लुगत का किताब है, तीन जिल्द के ऊपर एक डिक्शनरी है, लुगत का किताब है, उसी में लिखा हुआ है, अब्दुल रहीम साहब का किताब, मैंने उसमें से देख निकाल के बता दिया, लुगुई में जैसे लिखा हुआ तो क्या है। के पहले लग जाता है तो माने उसका हो जाता है फेल मादी वाला, यहुद्दू का माने होता है वो गिन रहा है, ठीक है, वो गिन रहा है। लम लगाने से माने हो जाएगा, नफी तो कर देगा और माने कर देगा पास्ट टेंस मादी, तर्जुमा क्या होगा, वो नहीं गिना, ठीक है। तो लम लगने से फेल का नफी हुआ, वो गिन रहा है, तर्जुमा क्या होगा, वो नहीं गिन रहा है, नहीं ऐसा नहीं, तर्जुमा वो नहीं गिना, फेल मादी में माने चले जाएगा लम लगने से। ये तो मानवीय अधिकार से जो तब्दील हुआ, और लम लगने से क्या तब्दील होता है, मज़ूम हो जाता है, फेल के आखिर में जज़म सुकून आ जाएगा, एक उसका नाम अलावत मज़ूम का, ठीक है। क्या हो जाएगा, फेल जो है मज़ूम हो जाएगा, मज़ूम कैसे होगा, आखिर में क्या आ जाएगा, सुकून, ठीक है। लेकिन आप देखिए सुकून करने के बाद ये तक हम लोग कहते हैं, इसको अगर हम लोग खोलते हैं ठीक है, तो सुकून लगाने के बाद में क्या वजह से बताइए, जब लम लगा उठा लो, बोलिए हेलो हेलो, हाँ कहा हुआ, हाँ हाँ घर में, अच्छा सर, बुली 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 ठीक है। यहुद्दू के पहले अगर लम लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, मज़ूम हो जाएगा, फेल मरफूस है मज़ूम हो जाएगा, लम लगने से क्या होगा, मरफूस है मज़ूम, मज़ूम माने सुकून आखिर में, कभी भी इसम नाम मज़ूम नहीं हो सकता, ठीक है, फेल मज़ूम होगा हमेशा, जब भी होगा, ठीक है। तो लम लगने से हो जाएगा क्या, सुकून, लेकिन इसको जब खोलते हैं तो क्या होगी, श्रद्धा माने क्या, सुकून ही ना है पहले,
तो जब खोला इसको देखिए रिजल्ट क्या है, दोनों सुकून। तो इसका हल कैसे करते हैं बता भाई, जो सुकून आ जाता है दोनों ही क्या कमजोर हरूफ नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग उसमें क्या करेंगे पत्था कर देंगे, ठीक है क्या करेंगे पत्था कर देगा, ठीक है। तो रिजल्ट इसका हुआ कि लम यहूदा, लम यहूदा हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इक्वल टू अगर करें कैसे लिखा जाएगा, लम यहूदा, ठीक है, लम यहूदा। तो अगर लम लग जाएगा तो क्या होगा, यहूदा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, लम यहूजा, लम यहूना, लम यसुबा, माने हो जाएगा नफी और कर दिया और माने हो गया मादी में, लम यसुबा, लम यशम्मा, लम यमस्सा, ठीक है। यहाँ लम लगने से क्या होगा, बताइए अकर भाई, यहाँ लगने से क्या होगा, नून आ जाएगा इसमें, तो क्या मास है, नून आता जाता है। तो माने ये जो है ना लम, अगर नून ग्रुप में लगेगा जिसमें नून है आखिर में, तो उसमें लम लगने से नून क्या हो जाएगा, हजा हो जाएगा, बस एकदम आसान, नून चले जाएगा, नून आता है जाता है, नून जाता है, ठीक है, नून चले जाएगा। तब मजदूर उसका मजदूर का अलामत क्या होगा, नून का हजा हो जाएगा, क्या पड़ जाएगा, लम यहूदा, क्या पड़ जाएगा, लम यहूदू, बस। तो ये जो है ये काम कब होता है, सिर्फ पांच आसान, ये काम कब होता है, याद भाई पांच आसान में काम होता है, यहूदू कौन कौन सा पांच आसान है, उसी को यहाँ लिख दिया पांच आसान, लेकिन पांच आसान में दो रिपीट होता है ना, कौन सा, तड़ौदू दो बार, तड़ौदू और तड़ौदू, सिर्फ एक बार लिखे, ठीक है, यहूदू तड़ौदू तड़ौदू, ये सिर्फ ये काम जो होगा फटा हो जाएगा दम्मा से, कब होगा, इसमें होगा लम लगने से, सिर्फ पांच आसान में, ठीक है। इसको फिर आगे मजीद में करेंगे, इसका नाम क्या दिया, अल अफालुल अरबा, अल अफालुल अरबा, जो नून ग्रुप हम लोग इसको पांच आसान नाम दिया है ना, आगे आगे नाम पर उसका नाम है अरबी में क्या, अल अफालुल अरबा, नहीं समझा नहीं, क्योंकि एक तो रिपीट हो रहा है, और नून ग्रुप का नाम हम लोग क्या नाम दे, नून जाता है, नून आता, नून जाता नाम दिया ना, उसका अल अफालुल खमसा, क्योंकि इसमें तरुदानी तीन बार है, तो अल अफालुल खमसा, खैर पांच आसान फिर रिपीट करते हैं, पांच आसान जो हम लोग पढ़े हैं, हुआ या अंता अना नहनु के लिए, यहूदू तड़ौदू तड़ौदू अहूदू नहूदू के लिए, उसी पर ये लागू हो रहा है, क्योंकि उसी पर ही सिचुएशन आ रहा है कि आखिर में दोनों में क्या हो जा रहा है, सुकून हो जा रहा है, ठीक है। और ये वाला ग्रुप इसमें मरफू का अलामत क्या था, नून था, ठीक है। मरफू का अलामत, असली अलामत क्या सुनो मैं, मरफू का नहीं, असली अलामत मरफू का क्या है, दम्मा है ना, दम्मा है ना, मरफू होने का कोई भी इसम हो या कोई भी फेल हो, उसका मरफू होने का अलामत क्या है, साइन निशानी क्या है, दम्मा है, ठीक है। तो ये असली अलामत, ठीक है। तो ये लम अगर असली अलामत वाले फेल के साथ में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अजहर भाई पता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लम अगर फरई अलामत माने सेकेंडरी साइन, जैसे कि नून फरई अलामत, असली अलामत नहीं है, उसके साथ अगर आएगा तो नून क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा। तो ये कायदा सिर्फ पांच आसानी पर लागू है, यानी कि जो चार, तो लम लगने से क्या हो जाएगा, पता हो गया, हो गया, लम लगा दीजिए, हो गया ठीक है। अब इसका एक बार हम लोग बताएंगे आपको, जो हम लोग की किताब में डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है, ठीक है, कि ये जो पांच आसान, ठीक है, एक और तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, पांच आसान जो है एक और तरीके से काम कर सकता है, कैसे बताइए, ठीक है, डैश दे देते हैं यहाँ पर, ये भी जायज है, लम यहूदू, लम यहूदा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल बगैर इदगाम के भी हम लोग कर सकते हैं इसको, बगैर इदगाम के लिए उसके लिए आना पड़ेगा हमको असली में
यहूद था क्या? ये था ना असली में क्या था? अब बताइए यहूद में अगर आप लम लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ा जा सकता है कि नहीं? पढ़ा जा सकता है, ये भी जाएगा बगैर इदगाम के करना, ये भी क्या है? जायज है, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन कब? सिर्फ मज़ज़ूम में होगा ये काम, ऐसे नहीं होगा कि हल याद उदू लिखा हुआ ठीक है याद, नहीं सिर्फ मज़ज़ूम में हो सकता है। लम लगने जो पांच आसानी पर सिर्फ हो गए, ठीक है, ये जो पांच आसान चार कर दिए दो बार है उसी पर एक आदल होगा, दो तरह से लिया तो लम या उद्दू, लम या उद्दा गई या तो क्या गई लम या उद्दू, ठीक है, लम तअद्दा गई या तो क्या गई लम तअद्दुद, लम उद्दा गई या तो क्या गई लम तअद्दुद, लम नउद्दा गई या तो क्या गई लम नउद्दुद, बस इसका क्या है दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं, दोनों जाएगा, ठीक है, कुरान के अंदर दोनों जाएगा, क्योंकि अरबी का जो ग्रामर है ना वो कुरान से आया, जो क्लासिकल अरबी है प्योर अरबी जो कायदा बनाया है कि ध्यान दीजिएगा कुरान से आया, सबसे जबरदस्त बात ये है तो कुरान में अल्लाह ने इसको इस्तेमाल किया ऐसे 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 ऐसे, तो ग्रामर किताब जो लिखा गया तो कुरान को देख के लिए कुरान पता नहीं इसको यहाँ कैसे इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है, तो उससे कुरान से अरबी ग्रामर निकला है, ठीक है, तो कुरान बताता तो नहीं ऐसे होता है, ऐसे भी हो सकता है, बगैर इदगाम के भी क्या हो सकता है, लम के साथ आ सकता है, फेल मज़ज़ूम हो सकता है बगैर इदगाम के, माने इदगाम नहीं करने को या उद्दा नहीं करने को, ऐसे फेल मज़ज़ूम हो सकता है, कुरान बताता है, ठीक है, तो क्या अदूद होगी, वैसे ही क्या हो जाएगा तअदूद, बस खोल दीजिए और इधर में चलिए तअदूद अदूद नउद, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा लम लगने से इजाज़त आप बोलिए, ठीक है, समझ में आएंगे आपको, इसका चाहते हैं क्या है मुदारे इसका यमस, लम लगाने क्या होगा यमस, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बगैर इदगाम के किया जाए असली में क्या था बताइए आप, यम ससु, क्योंकि कौन सा बाप देखिए बाप शमिया यशमू यशमू था, वैसे क्या होगा यम ससु, यम ससु लम लगाने से क्या होगा यम लम यम सस लम यम सस, तो याद हो सकता है क्या यमस्सा लम लगने से, ठीक है, या तो क्या हो सकता है बगैर इदगाम के ओरिजिनल में जाएंगे इस प्लेस में, ठीक है, ओरिजिनल में जाएंगे क्या हो जाएगा समझ लीजिए लम यमस्सा ओरिजिनल बगैर इदगाम के, ये लम यशमम ऐसे लम यमसस, तो लम यमसा माने क्या होगा उसने नहीं छुआ, लम यमसस माने क्या होगा उसने वही माने वही है, लेकिन दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये तो नुक्ता है यार इसमें कौन सा कौन नुक्ता वाली यमसस जो थी ना अभी नुक्ता मैडम बड़ा करिए नीचे वाला वही का नीचे ये शुरू का ये क्या बोल रहे हां ये वाला ठीक है, तो सूरह मरियम की आयत करे थी हम लोग उस दिन, आज दूसरा सूरह है, सेम आयत है अलग तरीके से, क्या है ना फालत, ठीक है, क्या है फालत सूरह इमरान तीन सैतालीस नंबर है, फालत उसने कहा, किसने कहा मरियम ने कहा रब्बी ए मेरे रब, रब्बी में या अजब है, अच्छा रब्बी था लेकिन रब्बी पढ़ेंगे अजब सब कसरा बता रहा है याद है वहाँ पर, ठीक है, ए मेरे रब इन क्या है अन्ना, अन्ना का माने रखिए क्या कहाँ से कैसे कैफा, ठीक है मीना ही ना कैसे अन्ना कैसे यकूनु होगा काना यकूनु होगा ली मेरा वलदुन, उसमें क्या लफ्ज था लगा दिखे था हम लोग वलदुन था या कुछ और था गुलाम, दूसरा कुरान में अल्लाह एक ही चीज बताते हैं लेकिन अलग अलग
लफ्ज है, मैंने एक स्टोरी है कि कहा है, लेकिन कुछ उसमें ट्विस्ट है, अलग अलग जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया। पर अल्लाह कुरान में कहते हैं कि हमने कितने तरीके से बदल बदल के किस्सा सुनाया है। अल्लाह कह रहे हैं कुरान में, ताकि समझ में आए लोगों पर फिक्र करे। उसमें था कैसे होगा मेरा गुलाम, गुलाम माने भी बच्चा, वलद माने भी बच्चा, ठीक है। तो उसमें है यकूनु ली अन्ना, कैसे अन्ना माने कैफा, यकूनु होगा ली मेरा वलद बच्चा, ठीक है। वह वह ये वह का तर्जुमा क्या कीजिएगा, जबकि हाल लम यमसस है ना, जबकि लम उसने नहीं छुआ, जबकि लम यमसस उसने नहीं छुआ, नी नी में जो नून नींद को बजाने के लिए आया बेल, यमसस ही नहीं हो जाए इसको, या है जबकि नहीं छुआ उसने, या माने मुझे किसने नहीं छुआ, बशर। आप तर्जुमा ऐसे नहीं करेंगे, बशरुन फाइल है किसका, यमसस का। तो तर्जुमा क्या करेंगे, जबकि नहीं छुआ उसने नहीं, जबकि किसी बशर किसी इंसान ने नहीं छुआ मुझे, ठीक है, जबकि किसी इंसान ने मुझे नहीं छुआ। बशर माने क्या होता है, इंसान, लोग भी माने बशर का क्या, चमड़ा। बशर लफ्ज बुनियादी रूप जैसा पता ना, सब बाप सब बाबा, बुनियादी रूप चमड़ा उस माने में, ठीक है। चमड़ा माने इंसान, इंसान जबकि उसने नहीं छुआ, ऐसा नहीं करेंगे, जबकि बशर ने नहीं छुआ माने किसी इंसान ने, नकिरा है ना, तो माने किसी कोई भी इंसान ने नहीं छुआ, नी या माने या मुतकल्लिफ मुझे, ठीक है। और किसने कहा, जब मरियम ने कहा यह बात, किसने कहा, काला फरिश्ते ने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, कज़ालिक, ठीक है। कज़ालिक का माने क्या होता है, ऐसा ही, ठीक है, माने वैसा ही, ठीक है, मामला ऐसा ही, माने कज़ालिक का माने क्या होता है, ऐसा ही, माने मामला ऐसा ही हो, अमर ऐसा ही है, हुक्म ऐसा ही है, ठीक है। हुआ कज़ालिक माने हुक्म ऐसा ही है, अल्लाह हुक्म ऐसा ही हुआ, कज़ालिका यहाँ पर क्या, कज़ालिका है, कज़ालिकी है, गंभीर चेंज हो गया, क्योंकि बात किससे कर रहे, जिब्रील अलैहिस्सलाम अंती से कर रहे, नवाज मरियम से ना बात कर रहे हैं, तो ये भी चेंज हो सकता है, कज़ाली, असल में ज़ालिका का जो का है ना वो क्या, ज़मीर है, ज़ालिका का जो का है वो क्या है, ज़मीर है, इसीलिए कुरान में ज़ालिका कहीं आएगा, कहीं ज़ालिकी आएगा, कहीं ज़ालिकुमा आएगा, कहीं ज़ालिकुम आएगा, ज़ालिकुम खैरुम लकुम इन कुंतुम तअलमून, अल्लाह बात कर रहे ज़ालिका वो चीज़, लेकिन इंटरेस्ट लाने के ताकि तवज्जो हो जाए बाकी सब, तो ज़ालिकुम इस्तेमाल है कुरान में, पर बात किससे हो रहा है, कुम से अंतुम से, तो ज़ालिकुम हो गया, असल में तो काब जो हो गया ज़मीर है, इशारा क्या है ज़ालिका में, इशारा सिर्फ ज़ा है, हाज़ा में इशारा सिर्फ क्या, ज़ा ही इशारा है, ज़ा जो है ना ज़ा वही सिर्फ इशारा, बाकी सब कुछ और है, काफ तो दमीर है तवज्जो करने के लिए, ठीक है। कज़ाली की ऐसा ही होगा, अल्लाह को हुक्म ऐसा ही है, अल्लाहु अल्लाह यखलुकु खलका यखलुकु नसरा यंसुरु, उसी वजन पे खलका यखलुकु, अल्लाह बनाता, अल्लाह पैदा करता है, मा जो भी यशाहु वो चाहता है वो पैदा करता है, तो मा हो गया मकूलुन बिही, इसम मौसूल, अल्लज़ी वाला माँ है वो जो यशाओ जो वो चाहे वो बनाता है, कहाँ से आया यशाओ, शाह यशाओ, नामा या नामू, ठीक है। इसका कमजोरी क्या है, बीच में अजवा भाई, शाह यशाओ, नामा या नामू, खाफा या खाफू, ज्यादा, ठीक है। अल्लाह बनाता है वो जो चाहता है, इजा इजा माने जब, इजा माने जब, अदा जब वो हुकुम करता है माने तकदीर कायम करता है, माने कोई चीज़ का इरादा करता है उस माने में, फदा, ठीक है। फदा कौन सा फेल है, कमजोर, या सही सालिम फेल, कमजोर है, क्या कमजोर इसका है, आखिरी फेल नाकिस हो गया, आखिर में भाव है तो या है, या है आखिर, फदा यफदी, फदा यफदी, फदा फैसला करना है, सेटिंग का तकदीर बनाना उस माने, जब वो इरादा करता है कोई चीज़ का, क्या जिसका याद है, अमरन, ठीक है, अमरन, कोई भी काम कोई भी चीज का अल्लाह करता है, अमरन
फइन्नमा यकूलु, वो कहता है। इन्नमा आ गया माने वो सिर्फ कहता है, सिर्फ के माने वाले फइन्नमा वो सिर्फ कहता है, क्या कहता है, लहू उस चीज से जो कराने वाला है, कौन हो या कौन, कहाँ से आया, काना यकूनु काना यकूनु कुन, हुकुम है पहला, ठीक है, जैसा काल यकूलु कुल, काना यकूनु कुन हो या, ठीक है, जारा यजूरु जुर ज्यारत कर, ठीक है, और याद किसी को सारा दूसरा वाला दे रही है, सिर, ठीक है, इस माह तो कहता है कुन पायकुन तो हो गया, हो या पायकुन वो है, ऐसा तो मतलब जो अल्लाह ने कहा हो या वो है या हो गया सारे तरीके से, ठीक है, कुन पायकुन ठीक है, नून ग्रुप में लम फेल मज़ूम होने से बस क्या होता है, नून वहां से चले जाएगा बस, याद ये लम वाला काम जो है ना उद्दा उद्दा उद्दू से उद्दा हो गया, फिर मज़ूम होता है, मज़ूम यहाँ बताना क्या था हमको, यमसस किताब किताब को ये किताब अभी तक चैप्टर ही नहीं खबर कर दिए बकार भाई को, बाइक पर जल्दी चलाइए, नंबर 205 चैप्टर जो है ना घर में आप पढ़ के समझ सकते हैं, पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, सब किया हुआ है, दो चैप्टर जो बचा हुआ है घर में आप ट्राई कीजिएगा पढ़ने, 20 नंबर 21 नंबर चैप्टर।